जीना 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 उड़ा। ओके सो गाइज, अभी जो वीडियो आपने देखे हैं, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी टिकटॉक पर, और आप भी ऐसे तरीके से वीडियो बना सकते हैं और अपलोड करके जो है अच्छे खासे फॉलोअर्स लाइक ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये वीडियो बनाने के लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है काइन मास्टर। आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे या फिर जो है गूगल से भी डाउनलोड कर पाएंगे उसका मोड वर्सन। ठीक है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखना, और आप न्यू आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, नहीं तो अभी डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो है मैं काइन मास्टर को ओपन कर दिया हूँ, और आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे प्लस वाला आइकन को जाना होगा, और यहाँ पे आपको तीन साइज मिलने वाला है, तो यहाँ पे मैं 9:16 को यहाँ पे टच कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मीडिया को सिलेक्ट कर दूंगा, जो कि बैकग्राउंड के हिसाब से मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर को यहाँ पे थोड़े से मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ओके पे टच करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं लेयर पे जाके यहाँ पे एक मीडिया को भी सिलेक्ट करने वाला हूँ, जो कि एक वीडियो होगा। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूँ, तो आपको जो है वहाँ से जाकर जो है डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं वही मीडिया को यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं जो है वो वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे टच कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे बच गया है, जो भी कि बैकग्राउंड के हिसाब से मैं लिया था, तो यहाँ पे मैं इसको जो है कट करने वाला हूँ इसी पोजीशन में। ठीक है, तो आपको भी जो है जो कि एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जिस साइज पे आपको कट करना होगा तो आपको वहीं पे आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको जो है कैंची वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको जो है कैंची वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे ट्रिम टू राइट टू ब्लेड कर देंगे। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वीडियो के हिसाब से यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, तो आपको इसके बाद जो क्या करनी है, यहाँ पे वीडियो के ऊपर जो है टच करनी है, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन, ये वाला जो मिडिल पोजिशन को आपको जो है यहाँ पे टच करनी है। यहाँ पे टच करके आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन को टच कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वीडियो सेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो है ग्रीन स्क्रीन को आपको हटाना है, तो आपको जो है फिर से यहाँ पे वीडियो को ऊपर टच करनी है, और आपको नीचे की तरफ आना है। यार यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमा की क्या ऑप्शन है, तो आपको सिंपली इसको जो है एनेबल कर देनी है, और एनेबल करके यहाँ पे जो आपको नीचे की तरफ आपको रेड कलर का जो दिखाई दे रहा होगा, तो आपको जो है कोई भी कलर यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, तो आपको जो है इसको टच करनी है, और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को टच करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है ग्रीन कलर हट गया है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे मैं ओके पे टच कर देता हूँ। और इसके बाद आपको जो है एक फ़ोटो को ऐड करनी है, आप कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो को ऐड करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपको फ़ोटो को ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको लेयर पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको मीडिया वाला ऑप्शन को टच करना होगा। यहाँ पे आपको जो है फाइल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे फ़ोटो आपको आराम से सिलेक्ट करनी है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैं फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ, और आपको जो है इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है क्रॉपिंग वाला ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्रॉप करके यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ। आपको ये मैं यहाँ पे जो है मोबाइल के हिसाब से मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है कैसे क्रॉप कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली ऐसे ही आपको जो है क्रॉप करनी है, अपने हिसाब से आप भी क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे जाना है। और गाइस, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे जो कि न्यू लेयर है यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो कि मेरा फोटो यहाँ पे ऐड किया हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे टच करनी है, और इसको जो है आपको फुल कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे फुल करके यहाँ पे जो है वीडियो के हिसाब से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं ओके पे टच कर देता हूँ। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको फिर से फोटो को यहाँ पे टच करनी है, और मोबाइल अपने जितने बड़ा है उतना साइज इसको जो है फोटो को रखना है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थ्री डॉट आप दिख रहा होगा, तो यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको टच करनी है, और आपको पहले वाला ऑप्शन है सेंड टू बैक, आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फोटो यहाँ पे बिल्कुल जो है बैक पे चला गया है। तो इसको इसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे मोबाइल जितने बड़ा है उसी के हिसाब से आपको जो है फिर से यहाँ पे सब मतलब सेट करनी है। और यहाँ पे आप जो है कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो है परफेक्ट आपको सेट करने के लिए आपको जो है कुछ टाइम यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेट करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है फोटो बिल्कुल जो है सेट हो गया है, और ये देख सकते हैं आप जो है अभी से कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी गाइस यहाँ पे जो है हमको जो है कुछ टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करना है, तो आपको मैं टेक्स्ट भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको लेयर पे जाना होगा, और यहाँ पे टेक्स्ट पे आपको जो है फिर से जो है क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरा ही जो है नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा नाम यहाँ पे लिख के आपको जो दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है इसको जो ऑलरेडी सेट कर लिया, मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया। और गाइस, आप जो है यहाँ पे हाथ के ऊपर जो है मैं रख देता हूँ, और फिर से जो है मैं नाम को ले मतलब नाम को नाम वाला जो लेयर होता है उसको जो है टच कर यहाँ पे फुल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको जो कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, और यहाँ पे आप और एक ऑप्शन यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि मैं नाम के ऊपर टच करके यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन करके यहाँ पे जो है मैं फ्लिकर कर देता हूँ। ठीक है, फ्लिकर करने से ये जो है अलग एक एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वीडियो ऑलरेडी
ऑलरेडी जो है बन गया है, तो अभी जो है आपको जो है म्यूजिक ऐड करनी है। यहाँ पे जो है आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो वाला एक ऑप्शन है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, या फिर जो है टिकटॉक में भी आप डायरेक्ट जो है वहाँ से जो है ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये वीडियो जो है अभी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आप भी ऐसे वीडियो बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ईजी मेथड है और आपको जो है कुछ ही टाइम लग गया मतलब लगेगा ये वीडियो को बनाने के लिए। तो गाइस इसको जो है आपको सिंपली यहाँ पे सेव करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट की तरफ यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन का आपको जाना होगा। और गाइस यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड क्वालिटी करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सो गाइस जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है गैलरी पे आपका मतलब वीडियो जो है सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मुझे पता है कि वीडियो आपको जो है पसंद आई है, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर ही देना और आप न्यू है चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।